हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करेंगे और जो हम इसका सलूशन करेंगे वो आपको किसी भी टेक्स्ट बुक या किसी भी लेक्चर में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पर एक थ्योरम्स का यूज करेंगे और इसको डायरेक्ट प्रूव कर देंगे। तो जो इसकी स्टेटमेंट है वो हमारे पास ये है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी, एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है। और हमने प्रूव ये करना है, दर्शाइए कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो समरूप होगी ट्रायंगल पीक्यूआर के। तो ये हमने सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि एक त्रिभुज एबीसी की जो भुजा एबी एसी और जो माध्यिका एडी है, एक्चुअली जो माध्यिका एक्चुअली में ये होती है, अगर हम बीडी का मध्य बिंदु ले, जो BC का मध्य बिंदु है वो D है, तो अगर हम A पॉइंट को D से मिला दे तो जो AD होगी वो एक्चुअली में माध्यिका होगी। और इसी प्रकार जो QR का मिड पॉइंट है वो M है, अगर हम P को M से मिला दे तो ये हमारी जो PM होगी वो भी माध्यिका होगी। तो हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि जो त्रिभुज ABC की भुजा AB है, जो ए बी है ओवर और जो हमारे पास पी क्या हुआ है वो समानुपाती है, मींस इक्वल है, वो गिवन है ए सी ओवर पी आर इक्वल है ए डी ओवर पी आर। तो इस कंडीशन का मीनिंग ये है कि जो त्रिभुज ए बी, जो त्रिभुज ए बी सी है उसकी भुजा ए बी ए सी और ए डी है वो प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है पी क्यू पी आर और पी एम के। तो हम यहाँ पर एक थ्योरम्स का यूज करेंगे और अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो ये होगा, जो ये होगा वो इक्वल होगा हमारे पास बी सी ओवर क्या हुआ, तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो ये है वो त्रिभुज एक्चुअली में समरूप होगी। तो सबसे पहले हम इसको, जो ये हमारे पास बी सी ओवर क्या हुआ, इसको प्रूव करेंगे। तो यहां पर देखिए जो हमारे पास गिवन है, जो यहां गिवन है वो है ए बी ओवर पी क्यू और वो हमारे पास इक्वल होगा, जो वो ए डी ओवर पी एम के इक्वल होगा, ए डी ओवर पी एम के। तो ये हमारे पास इक्वल होगा कि जो ए बी है वो इक्वल होगा, अब जो पी क्या हुआ है वो सड़ जाकर मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो ये होगा ए डी ओवर पी एम इंटू पी क्यू, ये होगा पी क्यू। और इसी प्रकार जो ए सी ओवर पी आर है, जो ए सी ओवर पी आर है वो इक्वल है ए डी ओवर पी एम के। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो ए सी है वो इक्वल होगा ए डी ओवर पी एम, ए डी ओवर पी एम इंटू पी आर, ये हमारे पास इक्वल होगा। तो ये हमारे पास जो ए बी है और ए सी है उसकी वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए हम यहां पर एक थ्योरम का यूज करेंगे और वो थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। और जो ये है थ्योरम वो ये कहती है कि जो ये इसकी साइड है, मींस ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये इक्वल होगा हमारे पास टू टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, मींस अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम ये जो ए बी का स्क्वायर है प्लस हमारे पास ए बी का स्क्वायर है प्लस ए सी का स्क्वायर है वो इक्वल होगा टू टाइम्स ऑफ एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, ये होगा हमारे पास। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो एक्चुअली में एडी ओवर पीएम है, जो वो प्रूव करना है एक्चुअली में बीसी ओवर क्या हुआ के। तो हम यहां पर जो एडी का वैल्यू है उसको निकालेंगे, तो इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल होगा टू ए डी स्क्वायर प्लस
टू बी स्क्वायर। तो यहां से ये होगा, यहां से ये इंप्लाई होगा। अब देखिए जो ए बी यहां पर होगा टू ए बी स्क्वायर, टू ए बी स्क्वायर प्लस टू बी डी स्क्वायर, टू बी डी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहां से ये होगा कि जो टू टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और माइनस टू टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर। अब जो हमारे पास यहाँ टू है वो मल्टीप्लीकेशन में है तो उस साइड जाकर ये डिवाइड में होगा। तो यहां पर ये होगा कि जो ए डी का स्क्वायर होगा वो हमारे पास होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ बी डी का स्क्वायर ओवर, ये हमारे पास होगा। और इसका मीनिंग ये है कि जो ए डी स्क्वायर है, अब देखिए जो इसकी मध्य का है उसका स्केयर होगा जो वो इक्वल होगा इस साइड का स्केयर प्लस इस साइड का स्केयर और प्लस बी डी का स्केयर, या हम डी सी का स्केयर भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे पास ये ट्रायंगल हो उसको भी हम पी एम का जो स्केयर होगा वो इक्वल होगा। अब देखिए जो ए बी को आप पुट कर दीजिए पी क्यू, तो ये होगा पी क्यू का स्केयर प्लस पी आर का स्केयर माइनस टू टाइम्स ऑफ यहां पर क्यू एम का स्केयर, तो ये होगा टू टाइम्स ऑफ क्यू एम का स्केयर ओवर, ये होगा हमारे पास। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो ए डी ओवर पी एम की निकालनी है, तो हम ए डी ओवर पी एम की वैल्यू को सबसे पहले निकाल लेंगे। तो ये होगा, अब देखिए तो ये होगा ए डी स्केयर ओवर पी एम स्केयर इक्वल होगा ए डी स्केयर ओवर पी एम स्केयर, ये इक्वल होगा। अब देखिए अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टू से तो टू कैंसिल हो ही जाएगा, तो यहां पर बचेगा ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर माइनस टू टाइम्स ऑफ बी डी स्केयर ओवर पी क्यू स्केयर प्लस पी आर स्केयर माइनस टू टाइम्स ऑफ क्यू एम स्केयर, तो ये होगा ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर माइनस टू टाइम्स ऑफ बी डी स्केयर ओवर पी क्यू स्केयर प्लस पी आर स्केयर माइनस टू टाइम्स ऑफ क्यू वन स्केयर, तो ये हो गया। अब देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और आप इसको साथ के साथ उतारते रहिएगा, तो ये होगा। अब देखिए तो जो ये टर्म है, जो ये वाली टर्म है, हम उसको उस साइड भेज देंगे ताकि जो ये है वो डिवाइड में, तो उस साइड जाकर ये मल्टीप्लिकेशन में होगी। तो ये होगा हमारे पास ए डी स्क्वायर ओवर पी एम स्क्वायर, पी एम स्क्वायर और इनसाइड होगा ये पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ क्यू एम स्क्वायर, ये होगा। और जो ये इक्वल होगा वो इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ पी डी स्क्वायर। अब देखिए आप जो हमारे पास ए बी है वो एक्चुअल में ए डी ओवर पी एम इंटू पी क्यू है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी के स्थान पर ए डी ओवर पी एम इंटू पी क्यू इसका स्क्वायर होगा। और प्लस इसी प्रकार हम जो यहां पर लिखेंगे वो ए सी का स्क्वायर, और जो ए सी है वो एक्चुअली में ये है, तो ये होगा ए डी स्क्वायर, ए डी ओवर पी एम इंटू पी आर स्क्वायर, पी आर और इसका होगा होल स्क्वायर और माइनस टू टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर, ये होगा। अब हम इसको सिंपल करेंगे ओपन, तो ये हमारे पास ये इंप्लाई करेगा। अब देखिए जो ये टर्म है अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो ये होगा ए डी स्क्वायर ओवर पी एम स्क्वायर
इंटू पी क्यू स्क्वायर प्लस इसी प्रकार एडी स्क्वायर ओवर पी एम स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर माइनस टू टाइम्स। अब ये होगा माइनस होगा तो एडी स्क्वायर ओवर पी एम स्क्वायर पी एम स्क्वायर इंटू होगा हमारे पास क्यू एम स्क्वायर और ये इक्वल होगा इस टर्म और एक्चुअल में ये टर्म है मींस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं तो ये होगा एडी स्क्वायर ओवर पी एम स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर ओवर पी एम स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर और माइनस होगा यहां पर टू टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर। अब आप यहां देख सकते हो कि जो ये टर्म है और ये टर्म ये दोनों आपस में सेम है और ये साइड है तो ये कैंसिल होगी। इसी प्रकार जो ये टर्म वो भी सेम है तो ये टर्म एक्चुअली में कैंसिल होगी तो हमारे पास जो ओवरऑल बचेगा वो ये बचेगा। अब देखिए ध्यान से जो हमारे पास बचेगा वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एडी स्क्वायर नेगेटिव ऑफ एडी स्क्वायर ओवर पी एम स्क्वायर इंटू क्यू एम स्क्वायर क्यू एम स्क्वायर और वो इक्वल होगा हमारे पास माइनस टू टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर और जो यहां पर होगा वो हमने टू यहां पर नहीं लगाया तो ये टू बी होगा यहां पर तो ये हमारे पास टू बी होगा तो ये होगा और ये हमारे पास इंटू टू क्यू एम यहां पर ये होगा। अब देखिए जो माइनस से तो माइनस कैंसिल होगा और टू से कैंसिल होगा टू तो हमने जो वैल्यू निकालनी है वो एडी ओवर पी एम की निकालनी है तो एडी ओवर पी एम एडी स्क्वायर ओवर पी एम स्क्वायर ये इक्वल होगा। अब देखिए जो क्यू एम स्क्वायर है वो इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो उस साइड जाकर डिवाइड में होगा तो ये होगा बी डी स्क्वायर ओवर क्यू एम स्क्वायर ये होगा और इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये होगा एडी ओवर पी एम इसका होल स्क्वायर ये इक्वल होगा बी डी ओवर क्यू एम इसका होल स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमारे पास जो लास्ट में होगा वो ये होगा तो जो ये होगा वो होगा एडी ओवर पी एम स्क्वायर एडी ओवर पी एम वो इक्वल होगा। अब देखिए जो बी डी है उसको हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ बी डी ओवर टू टाइम्स ऑफ क्या होगा टू टाइम्स ऑफ क्या होगा क्यों क्योंकि हमने ऊपर और नीचे दो से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखिए यहां पर ये होगा कि जो एडी ओवर पी एम होगा वो इक्वल होगा। अब देखिए टू टाइम्स ऑफ बी डी मीन्स टू टाइम्स ऑफ बी डी का अगर हम दो गुणा करें तो बी सी होगा इसी प्रकार क्यू एम का अगर हम दो गुणा करें तो क्यू आर होगा और जो हमारे पास एक्चुअली में थी वो एडी और पी एम अब देखिए एडी और पी एम क्या थी वो हमारे पास ए बी और पी क्यू ए बी ओवर पी क्यू इक्वल है ए सी ओवर पी आर ए सी ओवर पी आर ये हमारे पास एडी ओवर पी एम इसके इक्वल थी और ये एडी ओवर पी एम ये हमारे पास इक्वल है बी सी ओवर क्या होगा और आप देख सकते हो अगर इस ट्रायंगल की थ्री साइड प्रोपोर्शनल है इस ट्रायंगल की थ्री साइड के मीन्स इस ट्रायंगल की जो तीन भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं इस त्रिभुज की तीन भुजाओं के तो जो ये त्रिभुज होगी वो इस त्रिभुज के समरूप होगी तो हम यहाँ से यही कह सकते हैं कि त्रिभुज जो यहाँ पर होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू और यही हमने प्रूव करना था। आपको अगर आप एक बार करोगे तो आपके थोड़ा सा हार्ड लग सकता है लेकिन जो इसका स्टेप है वो बिल्कुल ही सिंपल है। आप यहाँ पर सेकंड तरीका भी कर सकते हो जो बहुत सारे लेक्चरों में दिया हुआ है लेकिन जो ये तरीका होगा
वो ना ही तो आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कुछ प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ हमने यहाँ पर ओनली ओन लगाना है फार्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूले से हमने ये रिजल्ट डिराइव करना है। अगर हमारे पास ये रिजल्ट डिराइव हो गया तो हम सीधा ही इसको प्रूव कर सकते हैं। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच।